ओरियो चोकोबार देखिए कितना यम्मी लग रहा है ना। इसे हमने केवल 3 चीजों से और मेनली बिना मोल्ड के बनाया है। बहुत बार आइसक्रीम बनाने के बाद उसे चॉकलेट से कोट करने में काफी सारी दिक्कतें आती है, पर टेंशन ना लेना दोस्तों, इसे हमने इतनी आसानी से बनाया है कि बिना दिक्कत कोई भी इस वीडियो को फॉलो करके इजीली इसे बना सकता है। तो चलिए इस क्रीमी मेल्टिंग माउथ डिलीशियस ओरियो चोकोबार को बनाना शुरू करते हैं। ओरियो चोकोबार बना रहे हैं तो मैंने यहाँ पर 2 ओरियो बिस्किट के पैकेट्स लिए हैं। हर एक पैकेट 120 ग्राम का है। ये देखिए वनीला क्रीम वाले बिस्किट है ये। आप चाहो तो चॉकलेट क्रीम वाले होते ना वो भी यूज कर सकते हो। अब पहले हम क्या करेंगे ना, इन सारे बिस्किट को एक मिक्सिंग जार में डाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा सा तोड़कर डालना या फिर डायरेक्टली डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोनों पैकेट्स में से सारे के सारे बिस्किट इसमें डालने के बाद अब इसमें जाएगा दूध 1 कप और 1/3 कप। हो सके तो फुल क्रीम दूध यूज करना, आपका आइसक्रीम ज्यादा क्रीमी बनेगा इससे, ठीक है ना। चलिए अब बस ढक्कन लगा देना और अच्छे से इसे पीस लेना आप। और बस 2 मिनट में आइसक्रीम का मिश्रण रेडी है। न चीनी की जरूरत है और न ही किसी क्रीम की, बस बिस्किट और दूध से ही देखना कितना अमेजिंग आइसक्रीम बनेगा। चलिए अब इसे थोड़ी देर साइड में रखकर यहाँ पर मैंने लिया है ये 100 ग्राम डार्क कंपाउंड और 100 ग्राम मिल्क कंपाउंड। हो सके तो आप भी ऐसे ही करना। सिर्फ डार्क कंपाउंड या सिर्फ मिल्क कंपाउंड से आपको उतना मजा नहीं आएगा जितना आपको इन दोनों को कंबाइन करके आएगा। तो दोनों कंपाउंड चॉकलेट को इस तरीके से कट करके एक बाउल में डाल देंगे। हमें ना इसे अच्छे से मेल्ट करके लेना है। तो इसे मेल्ट करने के लिए ये देखिए एक पतीले में मैंने पहले से थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा है। इस गर्म पानी के पतीले पर अपने चॉकलेट के बाउल को रख देंगे। पानी के पाप से ना बाउल नीचे से गर्म होने लगता है। ये देखिए इस तरीके से आप चॉकलेट को बाउल पर घिसोगे ना तो ये मेल्ट होने लगेगा। तो यही ट्रिक है। बहुत बार लोग बोलते हैं कि उनका चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाता। तो दोस्तों आप क्या करना, इस तरीके से डबल बॉयलर पर रखने के बाद चॉकलेट को बाउल में घिसते हुए कंटिन्यूस चलाते रहना। आप देखोगे कैसे तुरंत मेल्ट होने लगेगा ये। तो आधे से ज्यादा मेल्ट होने के बाद अब फ्लेम को बंद कर देना और ज्यादा हीट नहीं चाहिए इसे। मैंने तो इसे पतीली से निकालकर नीचे ही लिया है। अब बस इसे मैं इस तरीके से चम्मच से बाउल पर घिसते हुए चलाते रहूंगी और बस कुछ मिनटों में ही आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा मेल्ट हुआ है ये। ये देखिए दोस्तों इससे अच्छा और क्या होगा। अब चोकोबार बनाने के लिए वैसे मार्केट में काफी सारे मोल्ड्स भी मिलते हैं, पर नहीं है आपके पास तो मत खरीदना। आप सिंपली चाय के ऐसे जो पेपर ग्लास होते हैं ना वो भी यूज कर सकते हो। अब पहले तो इस पेपर ग्लास में काफी सारा मिल्टेड चॉकलेट डाल देना और अब ये देखिए बिल्कुल धीरे धीरे से ग्लास को घुमाते हुए चॉकलेट को ग्लास में फैलाएंगे हम। और फैलाते फैलाते जब ये एकदम साइड में आ जाएगा ना तो एक्स्ट्रा का चॉकलेट किसी बर्तन में या फिर इस तरीके से चॉकलेट बाउल में ही निकाल देना। एक बार इसके साइड्स चम्मच से क्लीन कर देंगे हम। अब इसे 5-10 मिनट फ्रिज में सेट होने देंगे। ऐसे ही और 2 ग्लासेस को चॉकलेट से कवर किया है मैंने। अगर आपके ग्लासेस इसे छोटे साइज के हैं तो आप इतने क्वांटिटी में 4 चोकोबार बना सकते हो। मैंने बड़े बड़े 3 बनाए हैं। साइड से आप इसे ऐसे टिश्यू पेपर से क्लीन कर सकते हो। चलिए इसे भी सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये देखिए ये अपना फर्स्ट क्लास का फर्स्ट कोटिंग बहुत अच्छे से हुआ है, पर क्योंकि मैंने इसे ऐसे खड़ा ही रखा था ना, आप देख सकते हो ऊपर के साइड में चॉकलेट की लेयर थोड़ी सी पतली हुई है। तो अब सेकेंड कोटिंग में ध्यान रखेंगे और ऊपर के साइड में चॉकलेट थोड़ा ज्यादा अच्छे से अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि फर्स्ट चॉकलेट कोटिंग की लेयर ठंडी है तो इस पर लगाई हुई सेकेंड लेयर बहुत जल्दी से सेट हो जाती है। फ्रिज में जाने से पहले ये देखिए ऑलमोस्ट सेट हुआ है ये। पर आगे बढ़ने से पहले और 10 मिनट इसे फ्रिज में सेट करेंगे। तो सारी क्लासेस के चॉकलेट लेयर्स अच्छे से सेट हुई है और आप देख सकते हो कितने इजीली ये बाहर भी निकल रहे हैं। इन्हें वापस ग्लास में ही रख देना। अब जो आइसक्रीम का मिक्सचर हमने बनाया था ना इसे हम इन ग्लासेस में पोर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी में बना है ये। तीनों ग्लासेस एकदम ऊपर तक भरे हैं। तो अब समय है इन्हें फ्रीजर में रखने का। कम से कम 2 से 3 घंटे इन्हें सेट होने देना। तब तक चलिए हम एक बार डेरी मिल्क से चोकोबार ट्राई करते हैं। तो ये 20-20 रुपीस के 3 डेरी मिल्क ली है मैंने यहाँ पर। इन सबको खोल कर इस तरीके से थोड़ा सा तोड़कर एक बाउल में डाल देंगे। अब इसे डबल बॉयलर पर मतलब गर्म पानी के पतीले के ऊपर रखकर स्पैचुला से चलाते रहेंगे।
तुरंत ये मेल्ट नहीं होगा, पर धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट होने लगेगा। ये देखिए, ऐसा होने के बाद, थोड़ा सा सॉफ्ट चिपचिपा होने के बाद, आप इसे पतीले पर कितनी भी देर रखो ना, तो ये अच्छे से मेल्ट नहीं हो पाएगा। तो इस समय आप क्या करना, फ्लेम को बंद कर देना और बाउल को नीचे उतार कर इस गर्म बाउल पर ही चॉकलेट को घिसते रहना। अगले मिनट में ही आप इसका रूप देख सकते हो, काफी अच्छे से मेल्ट हुआ है। ये थोड़ा सा गीला गीला भी लग रहा है। तो अपने इस तरीके से एक ग्लास में इस मेल्टेड डेरी मिल्क को डाल देना और इसे से चम्मच से पूरे ग्लास में अच्छे से फैला देना। उल्टा करने के बाद जो चॉकलेट नीचे गिर रहा है ना, उसे हटा देंगे हम। और फ्रिज में सेट करने के बाद ये देखिए ऐसे लग रहा है। ये इसमें भी मैं चॉकलेट की दूसरी कोटिंग करूंगी। अब दोनों ही लेयर्स अच्छे से सेट होने के बाद इसमें भी हम ओरियो और दूध का मिश्रण डालकर एक बार ट्राई करते हैं कैसे बनता है। ठीक है, अब देख सकते हो ग्लास अभी भी काफी सॉफ्ट है, तो पता नहीं ये फाइनली कैसे सेट होगा। पर चलिए, अब इसे भी 2-3 घंटों के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे हम। अब 2-3 घंटों के बाद मैंने यहाँ पर ये तो ओरियो बिस्किट लिए है, इनके बीच की क्रीम हटाकर मुंह में डाल देना, क्योंकि रेसिपी के लिए तो हमें ये नहीं चाहिए। अब इन बिस्किट के सेंटर में नाइफ से मार्क करना, पहले पॉइंटेड नाइफ यूज करो तो आपका काम इजीली हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से स्टिक डालकर आप चेक कर सकते हो। और एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, जिससे ये होल्ड करते समय गारंटेड आपका बिस्किट ब्रेक नहीं होगा। तो आप क्या करना, नाइफ के पॉइंट को 2 ड्रॉप्स पानी लगाना और फिर यूज करना। इससे बिस्किट थोड़ा सा मेल्ट हो जाएगा और अपने आप होल बनेगा वहां पर, वो भी बिस्किट ब्रेक हुए बिना, एकदम परफेक्ट। ये देखिए, अब यहाँ पर ये अपने आइसक्रीम के कप थोड़े से सेट हुए हैं, तो इनके ऊपर ये ओरियो का बिस्किट धीरे से प्लेस करना और इस तरीके से स्टिक को लगा देना। तो इस तरीके से चारों ही ग्लासेस में बिस्किट और स्टिक लगाकर हम इन्हें ओवरनाइट रखेंगे फ्रिज में। ओवरनाइट फ्रिज में अच्छे से सेट होने के बाद, चलिए अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, बिल्कुल सावधानी से इसे हम ग्लास से डीमोल्ड करेंगे। वैसे हमने चॉकलेट ग्लास को पेपर ग्लास से पहले से ही निकाल कर रखा था, तो चोकोबार को डीमोल्ड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर ऐसे डीमोल्ड करना आपको डिफिकल्ट लगे ना, तो आप धीरे धीरे से साइड साइड से पेपर ग्लास को फाड़ कर भी निकाल सकते हो। ये तो बहुत ही जबरदस्त है, एक बार तो ट्राई करना बनता है। चलिए अब एक बार डेरी मिल्क वाला भी ग्लास डीमोल्ड करके देख लेते हैं। ओह, देखा, ये भी कितना अमेजिंग लग रहा है। मैंने सोचा था शायद ये ठीक से बन नहीं पाएगा। डेरी मिल्क वाला चोकोबार तो कंपाउंड चॉकलेट से भी बढ़िया है। एक्चुअली मैंने बहुत बड़े बड़े चोकोबार बनाए हैं। अब बिल्कुल छोटे छोटे जो पेपर ग्लासेस होते हैं ना, वो यूज करो तो एक एक डेरी मिल्क से एक एक चोकोबार भी बन जाएगा। तो आपको इन दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लगा और आप कौन सा ट्राई करना चाहते हो, ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो नीचे का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना, साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक करना, जिससे आपको मेरी नई वीडियो के बारे में सबसे पहले पता चले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।